हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 6, लेसन नेम भक्ति सूफी ट्रेडिशन। इस लेसन से रिलेट हमने कुछ क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में किए थे, उससे आगे आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट, सूफी कौन थे? सूफी मुस्लिम ट्रेडिशन में एक नई कम्युनिटी यहाँ पर आ गई है, जो पैगंबर मोहम्मद या फिर कुरान हदीस को मानने वाले नहीं हैं। ये केवल गॉड को मानने वाले हैं और गॉड में ही बिलीव करने वाले लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानकाह पर कंट्रोल किसका होता था? खानकाह पर कंट्रोल एक तरह से वहाँ के शेख का या पीर का या फिर मुर्शिद जिसको हम बोलते हैं, इसका खानकाह पर कंट्रोल होता था और खानकाह में जो भी सरमन होते थे वो इन्हीं के द्वारा जो ना दिए जाते थे। नेक्स्ट, सिलसिला क्या मीनिंग है? सिलसिला लेसन के अकॉर्डिंग सिलसिला का क्या मीनिंग है? ये एक ऐसी चेन होती है जो शेख और उसके डिसाइपल यानी उसके मुरीद को आपस में मिलाती है, ऐसा माना जाता है। और इस चेन की पहली कड़ी जो है वो पैगंबर मोहम्मद से रिलेट मानी जाती है। जियारत, नेक्स्ट क्वेश्चन, जियारत क्या है? व्हाट इज जियारत? शेख की कोई भी दरगाह है उसकी ट्रेवलिंग करना, उसकी यात्रा करना क्या कहलाता है? जियारत। कादरी सिलसिला क्या था? कादरी सिलसिला किसके नाम पर था? ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर था। नेक्स्ट, बेशरिया हम किसको मानते हैं? लेसन के अकॉर्डिंग बेशरिया जो लोग, जो मुस्लिम शरिया को मानने वाले नहीं हैं। बाशरिया जो लोग, जो मुस्लिम शरिया को मानने वाले हैं यानी इस्लामिक कानून को मानने वाले लोग बाशरिया, और शरिया को न मानने वाले लोग बेशरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध कहाँ से था? कहाँ से उनका रिलेशन था? ये दिल्ली के पास ग्यासपुर यमुना रिवर के पास रहते थे। दिल्ली में ग्यासपुर यमुना रिवर के आसपास कौन रहते थे? शेख निजामुद्दीन औलिया, जो आज भी दिल्ली के रेलवे स्टेशन का नाम निजामुद्दीन है वो इन्हीं के नाम पर है। वली का क्या मीनिंग है? वली कौन? फ्रेंड ऑफ गॉड यानी ईश्वर का मित्र है, जो अल्लाह के बहुत नज़दीक रहने वाले को मतलब अपने आप को वली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का रिलेशन कौन से सिटी से है? अजमेर, जिनकी डेथ 1235 में हुई थी। अजमेर जो राजस्थान में है वहाँ इनकी दरगाह है, 1235 में इनकी जो है वहाँ डेथ हुई थी। तो उनसे रिलेट जो अजमेर की जो दरगाह है वो किससे रिलेट है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से रिलेट है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, इनका संबंध रिलेशन कौन से शहर से है? दिल्ली। और इनकी भी डेथ जो है वो सेम 1235 यानी जब मोइनुद्दीन चिश्ती की डेथ हुई जिस साल जिस ईयर उसी ईयर में इनकी भी डेथ हुई है। इनमें से गरीब का नवाज किसे कहा जाता है यानी गरीब की सुनी जाती है ऐसा माना जाता है, तो ऐसा किसको कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, जो अजमेर राजस्थान में जिनकी दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती पर जाने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इंडियन हिस्ट्री में 1206 से लेकर के 1526 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो सल्तनत पीरियड है। इस सल्तनत पीरियड में 5 डायनेस्टीज आई थी, उनमें से पहली थी सलेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। तो यहाँ तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन तुगलक मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो ना पहली बार अजमेर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर जो एक बादशाह है, जो मुगल है, जो 1526 से 1857 के बीच का जो टाइम पीरियड है ये मुगलों का टाइम पीरियड है, इसमें से एक बहुत ही ग्रेट रूलर माना गया हिस्ट्री में अकबर को। अकबर भी यहाँ पर मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया है, कितनी बार गया है? ये जो है ना 14 बार गया है। और मैं आपको ये बता दूँ, जब भी अकबर किसी भी एरिया को कंकर करता था, जीतता था, या उसको कोई भी सन की प्राप्ति होती थी, तो वो हमेशा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हमेशा जाते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय डिसाइपल शिष्य कौन थे? तो वो है कौन? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां आगा और रोशन आगा किसकी डॉटर थी? तो ये किसकी डॉटर है? मुगल बादशाह शाहजहां की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल क्या है? कोल कवाली से पहले गाए जाने वाली लाइन होती है जिसकी स्टार्टिंग अमीर खुसरो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसने लिखी थी? पद्मावती और नागमती ये दो रानी रतन सेन की दो रानी हैं, और इनको इनकी जो लव स्टोरी लिखने वाले हैं वो कौन है? वो एक मुस्लिम हैं जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती और नागमती ये जो पोइम है ये बहुत ही पॉपुलर पोइम रही है, जिसमें रतन सेन और पद्मावती की स्टोरी को यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, अकबर की राजधानी कैपिटल कौन सी थी? अकबर की कैपिटल आगरा के पास फतेहपुर सीकरी थी, और फतेहपुर सीकरी की के अंदर अकबर ने सलीम चिश्ती की जो ना दरगाह यहाँ बनवा रखी है, यानी सलीम चिश्ती में उनका उनसे कुछ न कुछ कुछ ज़्यादा ही जो ना कनेक्शन था, इसलिए सलीम चिश्ती की दरगाह किसने बनवाई थी? बुलंद दरवाजे के अंदर अकबर ने बनवाई थी। तो आज के अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट, इसी लेसन्स से आगे वाले क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।